You remember me, right? Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं वीडियो 6 बजे लाऊंगी, बट कुछ कारणवश मैं वीडियो 6 बजे नहीं ला पाई क्योंकि मुझे गैस का कनेक्शन लेने जाना था. और जब मैं वापस लौट के आई ना तो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि रास्ते में बहुत सारी धूल थी और धूल से है मुझे भयानक वाली एलर्जी. अभी भी मेरी नाक ऐसी बंद हो गई है और दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा देर रेस्ट करने बैठ गई. उसके बाद बहुत सारी चीजें होती रही, उसके बाद लाइट चली गई, फिर ये फोन चार्ज नहीं हो रहा था. इसको मैं अभी भी देखो चार्जिंग पे लगा के बैठी हूँ ताकि मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ सकूं. तो पहला कमेंट है रोहिणी शर्मा जी का, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कमेंट पढ़ूंगी. और ये मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि जब मैं कुछ ऐसे कमेंट जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अगर मैं उसका कोई रिस्पांस देती हूँ तो लोगों को शायद लगे कि मैं गुस्सा हो गई हूँ, और मैं गुस्सा हूं नहीं, तो ऐसे में गलत फहमियां बहुत बढ़ जाती. मैंने सोचा चलो मैं खुद पढ़ करके रिप्लाई कर दूंगी इनके कमेंट को. यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जैसे आपको साइक्लोन का भाई हमेशा गलत लगता है, हमेशा गलत लगता है, ये आप गलत बोल रही हैं क्योंकि एक बार मैंने उसका सपोर्ट भी किया था. ये बिल्कुल गलत है. मुझे इंसान कभी गलत नहीं लगता, मुझे इंसान की हरकतें गलत लगती हैं. और जो भी लोग अपने माँ बाप को मारते हैं, जो भी लोग हाथ उठाते हैं बेसिकली, वो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती. हालांकि हाँ, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है तो समझ में आता है कि हाथ उठ जाता है कभी कभी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ समबडी इज डूइंग इट एंड दैट, देन दैट मीन्स दैट पर्सन हैज मेड इट अ हैबिट. तो अगर हैबिट हो गई है आपकी किसी के ऊपर हाथ उठाने की, तो ऐसा आप हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हो. हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को मैं बिल्कुल भी सही नहीं बोलती हूँ. आगे आपने लिखा है, आप उसको हमेशा गलत बोलते हो. हमेशा गलत नहीं बोलती हूँ. आप देखिए मेरे वीडियोस, आप शायद देखती नहीं है ठीक से मेरे वीडियो, आप बहुत सिलेक्टेड वीडियो देखती हैं शायद, इसलिए आपको पता नहीं है कि एक जगह मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, एक पूरे वीडियो में अप्रिशिएट किया. बट इट्स ओके, आप भी अपना माइंड चेंज नहीं कर सक रही हैं उसके लिए. मुझे किसी के लिए अपना माइंड चेंज करने की जरूरत नहीं है डियर, क्योंकि देखिए एक बात आपको सच बताती हूँ कि जब साइक्लोन YT पर आई थी, उसकी शक्ल देख करके, उसकी बात करने के तरीके को देख करके मैंने समझ लिया था कि ये औरत एक दिन YT पे बहुत ही ज्यादा बवाल काटेगी. एंड आज के डेट में YT पे वही हो रहा है. जब मैंने ये सच्चाई बोली थी ना कि ये लेडी गलत है, तो मुझे पता नहीं कितने सारे लोगों ने पता नहीं तरह तरह के वीडियो बना के और कितनी गालियां दी थी. लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, मैं बहुत दूरदर्शी इंसान हूं, मुझे गलत इंसान हमेशा गलत ही लगता है. ये गॉड गिफ्ट है एंड इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. अगर कुछ ये बहुत ही अच्छा कर देता है तो आई माइट बी एबल टू अप्रिशिएट हिम एज वेल. आगे आपने लिखा है, कल जो आपने कम्युनिटी डाली थी ना कि लोग साइक्लोन को कितना हेट करते हैं, वैसे ही सेम आप भी उसके भाई को हेट करते हो. हेट इज अ वेरी स्ट्रांग इमोशन. आई नेवर हेट एनी बडी. मुझे लोगों की हरकतें गलत लगती हैं. मैं बहुत बार अपने वीडियोज में बोल चुकी हूँ, मैं लोगों को नफरत नहीं करती, उनकी गलत हरकतों को मैं अप्रिशिएट नहीं करती, बस ये बात है. तो यहाँ पे भी आपने मुझे समझने में थोड़ी सी शायद गलती कर दी. पर जरूरत पड़ने पर इसका भाई ही आता है. अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई अगर माँ बाप के लिए आ रहा है, माँ बाप बीमार है और भाई आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो माँ बाप का के ऊपर एहसान कर रहा है? वैसे तो आइडियली अगर देखा जाए तो माँ बाप को तो उसी के साथ रहना चाहिए, ना कि बहन के साथ रहना चाहिए. लेकिन अगर माँ बाप बहन के साथ रह रहे हैं और बीमार हो रहे हैं और वो नहीं संभाल पा रही है, तो ऑब्वियसली इसको आना ही पड़ेगा. ये अपने माँ बाप के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है. ये इसके माँ बाप इसके साथ ना रहने का कारण ये है कि बहुत गंदे तरीके से अपने माँ बाप को मारता है. बाप को अपने ये पैर से भी मारता है, मुक्का भी मारता है. ये जो आप लोगों को बताया गया ना कि कंट्रोल करने के लिए, मैंने भी पहले यही सोचा था कि कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि भाई इनकी मारपीट बहुत इंटेंस लेवल की होती है, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो अति है. आपके माँ बाप है, नशे में है, या जो भी है, या आपकी माँ है, कंट्रोल नहीं हो रही, आपने हाथ पकड़ के हिला दिया, बस है. जो इंसान खुद से चल नहीं पा रहा, जो इंसान खुद के काम कर नहीं पा रहा है, ऐसे बुजुर्ग आदमी को मारना पीटना भाई मुझे नहीं समझ में आता. और मैं ऐसे बच्चों को कभी जिंदगी में, इस जीवन में, उनकी हरकत को कभी मैं अप्रूवल नहीं दे पाऊंगी कि सही है या गलत. मैं हमेशा गलत ही बोलूंगी. साइक्लोन को प्रॉब्लम क्रिएट करके भाग जाती है. तो ये आप अभी बोल रही हैं, ये चीज तो मैंने जब साइक्लोन का यू नो 2-3 वीडियो आए थे, मैंने तभी बोल दिया था कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी YT पे. तब लोगों ने मुझे गाली बकी थी. अब लोगों को समझ में आ रहा, तो आप लोग मुझे आगे बता रहे हैं. मतलब मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही. मैं आज भी इसके भाई के लिए बोलती हूँ, बहुत ही नेगेटिव इंसान है, बहुत ही नेगेटिव इंसान है. ये बोलना कि आता है, माँ बाप का करता है, ये करता है, माँ बाप का करके एहसान नहीं कर रहा है,
ठीक है, बहन का कुछ करते हुए देखा आपने कभी उसको? नहीं। बड़े भाई का कर रहा है ना, देख रहे हो ना, कौन करेगा? और आप मुझे बताइए, अगर एक फैमिली बन के आप आए हैं, आप लोग एक दूसरे को, अगर एक अपनी ही फैमिली के लोगों को कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा भयानक हो जाता है जैसे इनकी फैमिली में हुआ है, तो जो सबसे हट्टा कट्टा है वही करेगा ना। कभी आप लोग जाके अपने फेवरेट लंगूर से पूछेगा या अंगूर से पूछेगा कि ये जो तुम इतने अंगूर खाते हो, इतने पैसों का दिखाते हो, मीन्स 15 लाख एयर एम्बुलेंस का लिखा है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में एयर एम्बुलेंस मिल जाती है, 15 लाख लिखा है कम्युनिटी पे। इसको कहते हैं फेंकना, इसको कहते हैं झूठ बोलना। मैं अपनी कभी पार्टी फैमिली से झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ बोलने वालों से प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी, ये अपने फाइटी फैमिली से कभी झूठ नहीं बोलता है, आगे भी ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसको पूछेगा कि क्यों क्यों इसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया था, कैसे गया था, क्या गया था, और वैसे क्यों गया था जिस तरह से गया था मिलने। इसकी बेटी मात्र अभी 1 महीने कुछ दिन की है ना, तो उससे मिलने गया था, तो ये जिस तरह से गया था उस तरह से आप लोग के घर में कोई चला जाए ना बच्चे से मिलने, तो आप लोग उसको ना, मतलब मैं कहती हूँ, हाथ से तो मुंह से तो बात नहीं कर पाओगे। फिर जिस हिसाब से मिलने गया था, मैं चाहती हूँ सच्ची कहानी लेकर आए, सच्ची कहानी बताना, ठीक है। अब मैं किसी और का कमेंट उठा रही हूँ, इनका कमेंट HYZ के नाम से आता है, मुझे DS लिख करके आता है, सब कुछ ठीक है, इतना भी बुरा आदमी, कितना भी बुरा आदमी है, पर जब भी घर में मुश्किल वक्त आता है वही कुत्ते को बुलाया जाता है। तो बिल्कुल कुत्ते को बुलाया जाएगा, क्योंकि कुत्ता अपने पूरे जिम्मेदारियों से हाथ छोड़ करके पीछे हैंड्स अप करके खड़ा हुआ है, ब्लेम गेम के ऊपर वो काम करता है। डियर, उसका कहना है कि माँ बाप मेरे साथ रहना नहीं चाहते, बट वो ये कभी नहीं बताता कि क्योंकि मैं अपने बाप को लेटा लेटा के लत घूसे मारता हूं, उसने मेरा बाप मेरे साथ रहने से डरता है, ये वो कभी नहीं बताएगा। कोई भी चोर कभी नहीं बोलता कि चोरी की है, लेकिन जिन लोगों ने ये होते हुए सुना है वो अलग बात हो जाती है ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं रिएक्शन इसलिए देती हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर दें, लेकिन मैं देखती हूँ कि सपोर्ट करते भी हैं, बट इट्स ओके। वही कुत्ते को बुलाया जाता है, तो कुत्ता अगर आके अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसको पढ़ा के इतना बड़ा मुस्टंडा बना दिया है, पढ़ा लिखा के और बेरोजगार बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रख के, दिन भर सोता है कुंभकर्ण की तरह, और जब भी कभी साल में एक बार घर की सफाई करता है तो क्या करता है, मेकओवर का वीडियो बनाता है। साल में एक ही बार होती है सफाई, ये भी आप लोग को बता दूं, नहीं होती इसके घर में सफाई। आप लोग क्या लगता है बड़ा साफ रहता है, वो दिखाया जाता है, दैट इज फेक। इन रियलिटी ये साइक्लोन से भी ज्यादा गंदा रहता है, ठीक। और मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, मैंने जब साइक्लोन, मैं फिर से एक बार बोलूंगी, साइक्लोन जब आई थी मैंने तब भी बोला था कि ये औरत बवाल करेगी। अब मैं इसके भाई के लिए भी चीज बोल रही हूँ, मुझे चीजें समझ में आती है, मुझे लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आती है, मेरे को पता नहीं बचपन से जिसको मैंने जैसा बोला है वो वैसे ही निकल गया इंसान। अब ये गॉड गिफ्ट है या क्या है मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, इनका कहना है कि माँ को बीमार, बाप को बीमार, और अब तक वही लंगूर को बुलाया था, ठीक है। माँ को इसने बीमार किया, बाप को इसने बीमार की, एक बात आप मुझे बताइए, इनका इनकी पूरी फैमिली में ये चारों लोग मुझे एकदम गलत लगते हैं। आप किसी एडल्ट पढ़े लिखे इंसान को बीमार नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे से बाखूबी जानता है कि जो उसकी लतें हैं या जो आदत है या जो रहन सहन है वो उसके लिए घातक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक पढ़ा लिखा इंसान अगर वही काम करे। यहाँ पे मैं बिल्कुल साइक्लोन को बचा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो तो माँ से बदतर औरत है, मैं उसको बचा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, उसको पता है कि दारू की लत उसके लिए बहुत खराब है, ज्यादा पिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद भी वो पीता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोकने के लिए आप मारे पीटे हाथ पैर चलाएं, ठीक। तमीज से भी रोका जा सकता है, तमीज से बैठ के समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इंसान ना समझे तो मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए। बट एनीवेज, जो भी है, जो आपने बोला कि वो बीमार कर देती है माँ बाप को, बीमार कोई नहीं करता, बीमार इंसान अपने कर्मों से होता है। ऑब्वियसली इसी को आना पड़ेगा, इसको पढ़ाया है लिखाया है, इतना पैसा देते हैं इसके पिताजी, अभी तक बाप के ही पैसों पे ये पल रहा है, ये बिल्कुल ही बेरोजगार इंसान है, इसको कोई काम करना आता नहीं है, ना ये कभी शायद करेगा जीवन में, पर चलिए कोई बात नहीं। आगे आपका स्टेटमेंट, माँ का हाथ छील के बाप को एक बार, बिल्कुल, जब इसने अपनी माँ को नोचा था मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, जब इसने अपने पिताजी के ऊपर इसने बोला कि मैंने थप्पड़ मारा, मैंने उस पर भी बात की है। आप लोग मुझे आके ये चीजें बताते हैं, ये बस प्रूफ करने के लिए कि ये जो अंगूर है ये सही है। अब आपको यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि वो इंसान कभी सही हो ही नहीं सकता जिसको सही बताने के लिए आपको किसी दूसरे को गलत बताना पड़े। जैसे कि आप लोग मुझे बताते हैं कि
साइक्लोन ने अपने पापा के ऊपर हाथ उठाया, उसने अपनी माँ का हाथ छील दिया, उसने अपने बच्चे को मारा, मुझे सब पता है, मैंने हर बार हर चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे सब पता है, मुझे पता के मतलब ये तो वही हो गया ना कि उसको उसको डीमीन करेंगे तब ये जाके सही होगा, तो फिर ये सही हुआ कैसे, आप लोग मुझे ये बताइए। बट एनीवेज आगे इनका स्टेटमेंट है, साइक्लोन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल मैं बिल्कुल मानती हूँ कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे तो कितने चैनल पे वीडियो पड़े आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी मैंने उसकी साइड ली है, बट कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि एक अच्छे इंसान को अच्छा होने के लिए उसके कामों से जाना जाना चाहिए, ना कि उसके साथ वाला क्या गलत कर रहा है और ये वो गलतियां नहीं कर रहा है तो ये अच्छा है, ये अच्छे अच्छाई नापने का कोई पैरामीटर नहीं लगता है मुझे। बट एनीवेज आप लोगों को अभी शायद चीजें समझ में नहीं आ रही, आगे जाके समझ में आएंगी। अपने ही बाप के ऊपर लीगल नोटिस भिजवाती है, अपने ही माँ को अपने ही भाई के साथ भी रहने नहीं देती, ठीक नहीं, अपने पेरेंट्स का को और भी दो औलादे हैं, अगर बाप को लंगूर के पास क्यों नहीं भेजती है, जब से अपने बाप ड्रिंक्स कर के कुत्ते ले जा कुत्ते ले, तो वो करती है, वो तो मेरे को आप लोगों को समझाते समझाते साल हो गए हैं कि भैया अभी तो देख लो भी कैसी औरत है, लेकिन कोई सुनता तो है नहीं, तो अभी देखिए ऐसा है कि एक ही इंसान को तो मैं हर वक्त इतना स्पून फीड नहीं करूंगी ना, सब्सक्राइबर्स भी मेरे अडल्ट है सारे, तो मैं स्पून फीड तो नहीं करूंगी कि यहाँ पे भी ये गलत है वहां पे भी वो गलत है वहां पे भी, मुझे ना उसकी एक सिचुएशन बहुत खराब लगी कि जब वो क्या कहते हैं ट्रेन में छोटे बच्चे को जो बीमार था उसको लेके ट्रैवल कर रही थी, राइट, वो चीज मुझे बुरी लगी, और जब ये रो रही थी तो थोड़ा सा बुरा लगा, ये मेरा दिल है, ये मैं ऐसी ही हूं, मैं उन लोगों में से हूं जो बोल सकते हैं कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी सिचुएशन में ना डाले, क्योंकि आपको मैं अब यहाँ पे मैं फेंक नहीं रही हूं, लेकिन मैं पता नहीं कितने सालों से ट्रेन में मैंने ट्रैवल नहीं किया है, आप लोगों के सामने ट्रेन में ट्रैवल किया था जब गुड़गांव गई थी राजधानी के फर्स्ट क्लास में, ठीक है, उससे नीचे मैं ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद ही नहीं करूंगी कभी जीवन में, ये जनरल डब्बे में थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, आई डोंट नो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट एनीवेज मैं उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, सबके अपने अपने लेवल्स होते हैं, अपने अपने फाइनेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग ट्रैवल करते हैं, तो मुझे वो चीज बुरी लगी थी उस बच्चे के लिए, और जिस तरह से इसने बोला कि बच्चे को मारा बच्चे को मारा। अब आप लोग को एक और भी चीज बता दूं कि वो भी वीडियो लेकर आएगा, मैं उसके वीडियो की वेट कर रही हूँ ना, प्रिटी श्योर कि उसके पास बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स होंगे कि उसने बच्चे को क्यों मारा, आप लोग भी अग्री करेंगे शायद मैं भी अग्री करूंगी, लेकिन ये जो बात आती है ना अटकती है जहां पे आके कि क्यों मैं उसको सही नहीं बोलती, अपने माँ बाप को मारता है वो, सबको मारता है, उसके आसपास जो भी है सबको मारता है, हिंसक आदमी को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं मैं उसको सही बोलूंगी, हिंसा की प्रवृत्ति बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही वाहियात होती है, हिंसक आदमी जो है वो पहले थप्पड़ मारता है, उसके बाद उसकी हिंसा बढ़ती है, फिर उसके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, एक दिन मार ही देता है, समझ रहे हो आप लोग, तो हिंसक इंसान को मैं कभी सही बोल नहीं सकती। दूसरी चीज, नफरत मैं किसी से करती नहीं, जैसे कि पिछले रोशनी रोहिणी शर्मा जी ने बोला था कि मैं नफरत करती हूँ, नफरत मैं नहीं करती, नफरत उसको कहते हैं जो आप लोग करते हो साइक्लोन से, ठीक है, नफरत उसको कहते हैं जिसके कारण कैलकटा का जो केस हुआ है ना भी डॉक्टर वाला, वो हुआ है कि भाई नफरत के ये हद है कि जाके इंसान को मार डालो, ये होती है नफरत। नफरत इज अ वेरी स्ट्रांग इमोशन, मैं किसी से नफरत नहीं करती, मैं जितने लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ सबका भला चाहती हूँ, चाहती हूँ कि इनका तमाशा ना बने सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इतना तमाशा बनाते हैं, लोग हंसते हैं, लोग लुफ्त उठाते हैं, और जब कोई रोकता है ना तो लोगों को बुरा लगता है कि इसके रोकने से कहीं रुक जाएगा तो हमारा एंटरटेनमेंट ना खराब हो जाए, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं। अदरवाइज आप लोग को लगता है कि मैं साइक्लोन को कभी मतलब उसके सपोर्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी, या मैं उसको सपोर्ट करने लग गई हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि उसने जो मेरे लिए लाइफ किया है ना वो लाइफ मेरे यहाँ पे छपा हुआ है, और जब तक वो यहाँ से जाएगा नहीं ना इसकी हालत ऐसी रहेगी दुर्गति, और इसको यहां से इरेज करने के लिए, वो लाइफ को यहां से इरेज करने के लिए मेरे को नहीं पता क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। सो ये था, ये मैं आप लोगों के सवालों को जवाब दे रही थी। उसके बाद दूसरी चीज, खुशी विवेक, कोई कह रहा था आपने खुशी विवेक के ऊपर वीडियो बनाया, उसके बाद वो लोग साथ हो गए। देखिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, आप उसके पहले अगर मेरे चैनल पे कमेंट्स चेक करेंगे जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं उनको लगातार मना कर रही थी, बहुत पर्सनल है बहुत पर्सनल है बहुत पर्सनल है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर क्या हुआ ना कि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी प्रूफ मेरे पास आए थे वो लोगों ने लगा लगा के वीडियो बनानी शुरू कर दी, मुझे पता था कि ये साथ होंगे,
मुझे बहुत अच्छे से पता था कि साथ होंगे, लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने जो भी सच था आप लोगों को बताया और मैंने जो बताया वो सब सच था। और रही बात कि ये लोगों ने अभी जो वीडियो बना के क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये था, बातें घुमाई हैं, जलेबी बनाई है। आप देखो जब इंसान जलेबी बनाता है तो एक शब्द भी क्लियर नहीं बोल पाता, घुमाता है घुमाता है घुमाता है। इनको ऑफर हुआ है बिग बॉस, ठीक, अगर ये अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पर ले आते तो इनका बिग बॉस कैंसिल हो जाता। अब ये बिग बॉस ही शो है या नहीं है, बात तो बिग बॉस की ही मुझे पता चली है, लेकिन इनका नाम अभी तक कहीं नहीं आ रहा। आई हैव नो आइडिया वेदर दे स्टिल हैव दैट शो इन देयर बकेट और नॉट, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन अगर कोई शो है तो वो वही शो है, बिग बॉस ही है। अब आई हैव नो क्लू कि ये मेन डे वन से जाएंगे या फिर ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के जाएंगे, क्योंकि अगर ये वाइल्ड कार्ड बन के जा रहे हैं तो ये हवा भी नहीं लगने देंगे किसी को कि ये वाइल्ड कार्ड बन के जाएंगे। सो वो जो शो इन्होंने बोला है कि शो के नॉर्म्स हैं कि आप किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, तो मेन वही कारण था अपनी लड़ाई को छुपाने का। इसके आगे की भी बहुत सारी बातें मुझे पता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, मुझे मत बोलिएगा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, बिकॉज मैं यहाँ पर आती हूँ लोगों का सही को सही और गलत को गलत बोलने। मैं वो काम नहीं करती कि मैं वीडियो छाप छाप के मैं अपने डॉलर तो कमा दूं लेकिन किसी और का घर तोड़ दूं, ये काम मेरा नहीं है। ये काम एक बहुत बड़ा गैंग है, वो करता है, घर तोड़वाता है व्लॉगर्स का। अगर आप लोगों को कभी किसी व्लॉगर की तलाक वलाक करानी हो तो वो गैंग के पास चले जाना, मेरे तो मुंह से वो गैंग का नाम लेते ही देख गाली देख गाली देख गाली। मैं तो जिंदगी में कभी गाली ना देना चाहूं, लेकिन वो गैंग का नाम है, कुछ लोगों का नाम आता है ना तो निकल जाती है, कोई बात नहीं। चलिए यार गाइस, आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पे बदल गया है मौसम तो हो रहा है मुझे जुकाम, आज दो बार गीली हो चुकी हूँ, अभी भी गीली हूँ, बाल भी गीले हैं, कपड़े भी थोड़ा सा पीछे से गीले हैं, चीरू को घुमाने लगी थी इसलिए मैं थोड़ा सा गीली हो गई। तो जा रही हूँ फिर से चेंज करूंगी एक बार कपड़ा और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। नया वीडियो बहुत ही अगेन बहुत जहरीला होने वाला है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ किसी के वीडियो का। मैं चाहती हूँ कि वो स्क्रिप्ट मुझे पता चलेगी, बेटी है बिना शादी के बेटी है, लोगों को उल्टा सीधा बोलने वाले की, मुझे धमकी देने वाले की कि वो मेरी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी करेगा। ऐसे इंसान को मैं कभी भी सही नहीं बोलूंगी, ये सब हरकतें गलत इंसान की होती हैं। अपनी बहन को ये बोलने वाला कि अगर तूने मेरे खिलाफ या मेरी सच्चाई सामने लाई तो मैं अपने चैनल पर बोलूंगा कि तू रात में आदमी बुलाती, अपनी बहन की इज्जत इस तरह से उछालने वाला इंसान, चाहे बहन कितनी भी बड़ी डायन हो चुड़ैल हो, इस तरह का इंसान मैं अप्रिशिएट नहीं करती, इसलिए मैं उसको गलत कहती हूँ। आगे और कोई वो ही नहीं है यार, मैं तो कह ही नहीं हूँ कि यार मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, किसी से नफरत नहीं करती, महाकाल की भक्त हूँ यार, समझा करो। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सोच रही हूँ चाय बना के पीऊँ अदरक वाली, तो मैं चलिए अदरक वाली चाय पीने, और आप लोग ये वीडियो का लुत्फ उठाइए, नीचे कॉमेंट करिए, और हुआ तो मैं और भी कॉमेंट्स आपके पढ़ूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, टेक केयर, love you all, bye bye and jai mahakal।